श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने कई मुद्दे उठाए अजमेर शहर के, जैसे कि आप अजमेर शहर में देख लो, अभी हमारे व्यापारी के साथ नरेश नामकानी के साथ 20 लाख की डकैती हुई थी, उसके उसमें भी हमने उनको ज्ञापन दिया, तो उसमें तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करा उनके अपराधियों को। और अभी जो मुहर्रम हुआ अजमेर का सबसे बड़ा, उसमें आज की तारीख में कलेक्टर महोदया ने, एसपी महोदय और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने मिलकर जो काम किया और मुहर्रम को एक राजी खुशी बताया। मुहर्रम ये देख लो आप, जो कि उचित व्यवस्था करी इन लोगों ने और किसी को परेशानी नहीं दी उस विषय में। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के हम सभी पदाधिकारियों ने इनका हौसला ही, ये जो काम करते थे इसमें इनको चाहिए, तो हमने इन सबका स्वागत करा और इनको बधाई दी, धन्यवाद दिया कि आपने अवलोकन उठाया और श्री अजमेर व्यापार महासंघ के जो भी मुद्दे होते हैं उनको तुरंत प्रभाव से निकालते हैं। हमने मैडम से मांग करी थी लिपस्टिक पर ठेले हटाए जाएँ, उस विषय में हमने वापस कहा है ठेले हटाए जाएँ, और इसीलिए श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने आज इनका स्वागत करा है शॉल दुपट्टा माला। व्यापारियों की सिर्फ व्यापार करने की नहीं, पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ सामाजिक सरोकार के कार्य, धार्मिक काम के, शहर हित के, देश हित के, समस्त ऐसे आयोजन करता रहता है जिससे कि देश का हित हो, व्यापारियों का हित हो, समाज का हित हो, लोगों का हित हो, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का हित हो। आज उसी क्रम में हम यहाँ पर आए जिलाधीश कार्यालय डॉक्टर भारती दीक्षित के कक्ष में एसपी महोदय देवेंद्र कुमार विश्नोई साहब और एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर तीनों का सामूहिक रूप में कलेक्टर महोदया के कक्ष में सम्मान किया गया। इनकी कार्यशैली और जो इन्होंने श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के द्वारा काम बताए और वर्तमान में जो मुहर्रम का कार्य होता है, मुहर्रम का उत्सव था, उसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने में भी इनकी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उनको सम्मानित किया गया। हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार जनहित के और देश हित के और शहर हित के व्यापारियों के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। रमेश।